देश की आधी आबादी को धनवान बनाने के लिए सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के बाद अब उन समूह को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने की बात कही जा रही है। बुधवार को मुरादाबाद विकास खंड कार्यालय पर आयोजित स्वयं सहायता समूह की बैठक में महिलाओं को उनके अधिकारों से रूबरू कराया गया, तो वहीं महिलाओं को स्वयं का रोजगार करने पर बिंदुवार जानकारियां उपलब्ध कराई गईं। खंड विकास कार्यालय के सभागार में आयोजित स्वयं सहायता समूह की बैठक में मौजूद रही पीसीएस अधिकारी खंड विकास अधिकारी मुरादाबाद प्रज्ञा यादव द्वारा कहा गया कि देश की आधी आबादी अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रही है। पूर्व के दिनों में या पहले जमाने में बेटियों को घर से बाहर निकालने पर पाबंदियां झेलनी पड़ती थी, लेकिन आज जमाना बदल रहा है। आज बेटियां पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, देश के लिए काम भी कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली हमारी बहनें रोजगार से कोसों दूर थीं, लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसी महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है जो महिलाएं रोजगार चाह रही थीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी महिलाओं को स्वयं का समूह बनाकर उनको धन मुहैया कराया जा रहा है और उस धन के द्वारा महिलाएं खुद का रोजगार करने लगी हैं। गांव-गांव, शहर-शहर सरकार की इस योजना का लाभ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्राप्त कर रही हैं। मंच के माध्यम से अपने अनुभव को साझा करते हुए खंड विकास अधिकारी पीसीएस ऑफिसर प्रज्ञा यादव द्वारा कहा गया कि अब जमाना बदल रहा है, बेटियां आगे बढ़ रही हैं, जबकि पूर्व के दिनों में बेटियों को घर से बाहर निकलने पर काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन हमें फख्र है कि हमारे बड़ों ने हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। बुधवार को आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद रहे उपायुक्त स्वेता रोजगार राजनाथ प्रसाद भगत से जब इस बाबत बात की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और उन्हें रोजगार से जोड़ने पर काम किया जा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए उपायुक्त स्वेता रोजगार द्वारा बताया गया, भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 25 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। उसी अभियान के अंतर्गत आज एक यहाँ संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ, विद्युत सखी, बीसी सखी, समूह सखी, बैंक सखी, सैकड़ों की संख्या में हमारी महिला सदस्य उपस्थित रहे। मन से यही सदस्य संदेश दिया गया कि हमें जागरूक रहना है, अपने अधिकारों के बारे में उनके सजग किए गए और किसी की प्रताड़ना और किसी के द्वारा किए गए उत्पीड़न को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सहेंगे नहीं कहेंगे का नारा दिया गया। लखपति महिलाओं का तात्पर्य ये है कि भारत सरकार ने ये ठाना है कि स्वयं सहायता समूह की दीदियों को लखपति कैसे बनाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने भी यहाँ एक योजना बनाई है, जिसमें 10,000 रुपया प्रति माह प्रति सदस्य को कैसे आय अर्जित हो, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा किए हैं। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी पीसीएस अधिकारी प्रज्ञा यादव, एडीओ मदन पाल सिंह, शिवम कुमार सहित भारी संख्या में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी मौजूद रहीं।